Assalamualaikum, we are finally back another video. कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं डेली वीडियो अपलोड किया करूं, लेकिन कोई ना कोई छोटा मोटा इशू हो ही जाता है जिसकी वजह से वीडियो लेट हो जाती है. तो तबीयत अब ख़राब हो गई थी, तो उसमें मलेरिया हो गया था, तो रिकवर होते होते 10-15 दिन लग गए. अब शुक्र अल्लाह का बेहतर है. तो आज हम इस वीडियो में HP लेज़र जेट P3015 का फुल रिव्यू लेंगे, उसको चेक करेंगे कि इसके स्पेक्स कैसे हैं और उसमें फीचर्स क्या हैं. वो ऑफिस वर्क के लिए है या होम वर्क के लिए है, किसके लिए वो बेहतर प्रिंटर है. तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और साथ लाइक भी कर देना, साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो इजीली आपके पास पहुंच जाए. तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख सकते हैं जिस प्रिंटर की मैं बात कर रहा हूँ वो आपके सामने है, आप चेक करें. बहुत ही प्यारा प्रिंटर है, खूबसूरत है, टेबल पे पड़ा काफ़ी अच्छा लगेगा. तो इसकी स्पेक्स की बात करेंगे और इसके फीचर्स वगैरह बताएंगे और इसमें चेक करेंगे कि ये होमवर्क होम यूज़ में बेहतर है या फिर ऑफिस के लिए बेहतर है. तो सबसे पहले आप फ्रंट पे देखें, HP का लोगो लगा हुआ है. तो उसके बाद इसके नीचे ही इसका मॉडल है HP लेज़र जेट P3015, ठीक है जी. और बहुत अच्छा है, सामने USB की ऑप्शन दी है और ऊपर इन्होंने डिस्प्ले पैनल दिया हुआ है, बड़ा बेहतरीन है. कंट्रोल आप यहां से भी कर सकते हैं. तो बेसिक ये प्रिंटर सबसे बेहतर, ये ऑफिस के लिए, शॉप के लिए बहुत ही अच्छा है, स्कूल्स के लिए भी बहुत अच्छा है. ये बेसिक कमर्शियल प्रोफेशनल यूजिंग, कमर्शियल यूजिंग में ये प्रिंटर यूज़ होता है क्योंकि इसकी प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा निकलती है एक टोनर से. इसकी स्पीड भी बड़ी अच्छी है, स्पेक्स तो ऑलरेडी इसके बहुत अच्छे हैं. तो सबसे पहले आप इसकी लुक चेक करें, बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत है. वाइट और ब्लैक, सॉरी ग्रे कलर में कंट्रास्ट दिया हुआ है. फ्रंट पे HP लोगो है, साथ नीचे इसका मॉडल है और साथ ऑन ऑफ करने के लिए मेन पावर बटन दिया हुआ है, USB दी है, टोनर को निकालने के लिए बटन दिया हुआ है, पेपर कंट्रोल करने के लिए क्लिप दिया हुआ है, साथ डिस्प्ले भी दिया हुआ है. ये देखें जी, वायरलेस प्रिंटर है ये वाला. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसकी, हम स्पेक्स की बात करते हैं. स्पेक्स इसमें ये है कि सबसे पहले इसकी जो स्पीड है प्रिंटर की, तकरीबन 40 से लेके 42, यानी कि 40 PPM इसकी स्पीड है. एक मिनट में ये 40 प्रिंट निकालेगा, बहुत अच्छा प्रिंटर है, ठीक है. और इसके जो रेजोल्यूशन है तकरीबन 1200x1200 DPI के साथ है, ठीक है. और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है, 1200x1200 DPI के साथ इसकी क्वालिटी है. ये बनती है 2400 DPI, बहुत ही बेहतरीन है. फिर इसके बाद इसकी जो जो स्पीड है वो मैंने आगे बता दी है, 40 पेज पर मिनट है. और जो टोनर की प्रिंटिंग है, यानी कि एक टोनर से ये तकरीबन आपका 7000 तक प्रिंट निकालेगा. एक टोनर से आपका ये 7000 प्रिंट निकालेगा, ठीक है. 40 पेज पर मिनट स्पीड है, 1200x1200 DPI के साथ है. और फर्स्ट ट्रे इन्होंने ऊपर दिया और इसमें आप तकरीबन 150 शीट लगा सकते हैं एक साथ, ठीक है जी. इसमें आप 150 शीट लगा सकते हैं. और जो नीचे वाली ट्रे दी गई है इसमें आप तकरीबन 500, यानी कि एक पूरा रिम इजीली आप इसमें लगा सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वगैरह नहीं होगी. 200 या 250 शीट नहीं लगेगी, 500 शीट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी. प्रोफेशनल यूजिंग के लिए प्रिंटर है, ठीक है. इसके अलावा इसकी जो ये आउटपुट ट्रे है, ये तकरीबन 250 शीट यहाँ आपके आउटपुट में आ जाएंगे इजीली. और उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने फ्लैप पर दिया हुआ है, पेपर नीचे ना गिरें ताकि आपके सेट जो प्रिंटिंग हो रही है वो अलाइनमेंट ना आउट हो. अलावा इसका जो वेट है, मशीन का वेट है, ये तकरीबन है 15 किलो की ये मशीन है. कोई इतना हैवी ड्यूटी मशीन नहीं है कि यार उठाने में प्रॉब्लम होगी, कोई ऐसा इशू नहीं है. 15 किलो की मशीन है, बड़ी बेहतरीन है. इसमें जो फीचर्स हैं, फीचर की बात करेंगे, ये प्रिंटर में डुप्लेक्सर, नेटवर्क, वाईफाई और USB की ऑप्शन दी है. ज़्यादातर जो डिस्प्ले पे कंपनी ने दिया होता है ये
HP LaserJet P3015 ही लिखा होता है ज़्यादातर प्रिंटर्स में, लेकिन इसके अंदर फीचर नेटवर्क भी होता है और डुप्लेक्सर भी होता है। वो अक्सर कहीं कहते हैं कि इधर लिखा होगा तो ही डुप्लेक्सर होगा, तो ही नेटवर्क होगा, तो ही वाईफाई होगा। कभी कभार इनमें नहीं लिखा आता, लेकिन इनके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ होता है, वाईफाई भी होता है, नेटवर्क भी होता है और डुप्लेक्सर भी होता है। 10 पीस ब्रांडेड में आए हैं तो एक पीस वाईफाई का निकलता है। ये देख लें सामने ऊपर वायरलेस कार्ड लगा हुआ है, लेकिन ये मिलता ही नहीं प्रिंटर, ज़्यादातर ये डुप्लेक्सर और नेटवर्क में ही मिलता है। डुप्लेक्सर का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिक डबल साइड प्रिंटिंग निकालेगा ये, और जो इसमें फीचर एक और जो नेटवर्क है एक से ज़्यादा यूज़र से यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा USB भी इन्होंने दी हुई है। अगर USB में आपके पास डॉक्यूमेंट है लेकिन लैपटॉप नहीं है या लैपटॉप चार्जिंग होने वाला हो तो आप इधर डायरेक्ट USB लगाएं और इधर से आप कंट्रोल करके जो भी डॉक्यूमेंट है आप उसे A4 लीगल जो भी है आप इसे प्रिंट निकाल सकते हैं। ऊपर वाली ट्रे पे आप कोई भी एनी साइज लगा सकते हैं, लीगल लगा सकते हैं, A4 लगा सकते हैं, लेटर साइज लगा सकते हैं, A5 लगा सकते हैं, कोई भी आप प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो ऊपर वाली ट्रे से कर सकते हैं। और नीचे भी बेसिक उन्होंने दिया हुआ है A4 वगैरह लीगल, लेकिन ये ट्रे क्वांटिटी में लगती है, पेपर तो ज़्यादातर A4 फिक्स कर देते हैं ताकि ट्रे प्रूफ से A4 प्रिंट निकलें, और अगर हमने कोई चेक वगैरह प्रिंटिंग करनी है तो यहाँ उसने कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ है कि आप इधर से कंट्रोल करें और अपना जो भी साइज़ पेपर का हो वो निकाल सकते हैं। इसमें सेव करने के लिए बेहतरीन तरीका है कि स्टेपलर की पिन ना जाने दें और पेपर टेढ़े ना लगाएं, ठीक है। कंपनी ने 70 ग्राम से नीचे का नहीं दिया हुआ कि जी 70 ग्राम से नीचे पेपर लगाएंगे, चल तो वो भी जाएंगे, लेकिन वो आपका जो ये पेपर की पिकिंग का इशू रहेगा, आपको हो सकता है कुछ दिनों बाद ही प्रॉब्लम देना शुरू कर दे, तो 70 ग्राम से नीचे नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। बड़ा खूबसूरत है ये, आप लुक चेक कर सकते हैं इसकी, ठीक है। इसमें नेटवर्क जो फीचर है वो देख लें, ये नेटवर्क केबल लगेगी यहाँ USB केबल लगेगी जो नॉर्मल एक बंदा यूज़ करता है, ये पावर है, और यहाँ इसने बताया हुआ है कि इसके वोल्टेज कितने हैं, 220 है, क्या सीन है, ये सारे उसने IP वगैरह दिए हुए हैं। यहाँ का जो टोनर निकालने का तरीका है वो ये बटन दिया हुआ है मेन फ्रंट पे पुश करना है, सॉरी नीचे करना है, इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, ये देखें जी मैं चेक करवाता हूँ, ये इसको प्रेस किया और अपनी तरफ डोर को इन करना है, ठीक है। जैसे ये करेंगे तो फ्रंट पे ही इसका टोनर होगा। इसको निकालने का सही हल है, इसमें ग्रिप भी दी है, ये देखें यहाँ थम और ये ऊपर से ये फोर फिंगर, इसको ऐसे अपनी तरफ खींचना है, ठीक है, और ऐसे ही टोनर बाहर निकल आएगा। अंदर से प्रिंटर की कंडीशन देखें, 10x10 है, ये मेरे पास ब्रांडेड लॉट में आया हुआ है। अगर किसी भाई को ये प्रिंटर चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, भाई जी आप रब्ता कर सकते हैं। अक्सर सिग्नल नहीं ही आते बेसमेंट में तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। आप देख सकते हैं इसको मैंने पेज की कमांड दी है, उसकी स्पीड चेक करें, बड़ी ही बेहतरीन स्पीड है। तो अगर आपको किसी को भी ये प्रिंटर चाहिए हो, बाय करना हो या और भी इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो भाई जाने से पहले वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट इस तरह की वीडियोज़ ईजीली मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ओका फिर, अल्लाह हाफिज़।